चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन एक और गांधी परेशान है। आजकल वरुण गांधी क्या कर रहे हैं? क्या बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद वरुण गांधी का बीजेपी में टिकट ही नहीं, बल्कि उनका पूरा पॉलिटिकल करियर ही फंस गया है? नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम अपने इस खास शो में वरुण गांधी की मुश्किलों की चर्चा करने वाले हैं। यूपी की एक लोकसभा सीट पीलीभीत और उसके मौजूदा सांसद वरुण गांधी आजकल सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहां पहले चरण में ही 19 अप्रैल को चुनाव होना है। नामांकन शुरू हो चुके हैं। वोटिंग में एक महीने से कम का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक यहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। सियासी बाजार में खबरें गर्म हैं कि बीजेपी यहां से अपने मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटने वाली है। इन खबरों को हवा उस वक्त और मिली जब वरुण गांधी के निजी सचिव पीलीभीत से नामांकन के 4 सेट खरीद लाए, 2 अंग्रेजी में और 2 हिंदी में, जिससे ये सवाल हवा में तैर रहे हैं कि क्या वरुण गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट 1989 से मेनका गांधी परिवार का गढ़ है। वरुण गांधी किसी भी कीमत पर चुनाव न लड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। आखिर क्यों, देखिए। 1989 में पहली बार मेनका गांधी पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर जीती थी। इसके बाद 2004 में जब मेनका गांधी बीजेपी में आई तो ये सीट बीजेपी के खाते में गई। कभी मेनका गांधी तो कभी वरुण गांधी इस सीट से सांसद रहे। यूपी के पीलीभीत में सिख मतदाताओं की काफी तादाद है। सिख परिवार में जन्मी मेनका गांधी का यहाँ इतना असर है कि वो यहाँ से किसी पार्टी के टिकट पर या निर्दलीय उन्हें हमेशा जीत मिली है। मेनका ने पीलीभीत में बीजेपी से पहले जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी दम दिखाया है। 1998 और 99 के चुनाव में मेनका निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी थी। 1999 में उन्हें बड़े अंतर से जीत मिली थी। 2004 में मेनका ने बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत जीता था। मेनका गांधी ने बाद में अपने बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत की सियासी विरासत सौंप दी। 2009 में वरुण गांधी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पीलीभीत से उतरे और बीजेपी के वोट शेयर को 50% से आगे तक ले गए। ये भी उस समय जब देश में बीजेपी का वोट शेयर 25-30% के करीब घूम रहा था। वरुण गांधी 2019 में फिर पीलीभीत से जीते। 2014 का चुनाव वरुण ने सुल्तानपुर से जीता था। तो पीलीभीत के संसदीय चुनाव का इतिहास आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिसे मेनका और वरुण गांधी अपना गढ़ समझ रहे थे, बीजेपी ने उस गढ़ से वरुण गांधी को हटाने का करीब करीब मन बना लिया है। पीलीभीत के करीब में जिला है लखीमपुर खीरी। यहाँ 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान वरुण गांधी ने खुलकर किसानों के पक्ष में बात की। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कई ऐसी बातें कही जो बीजेपी आलाकमान को नागवार गुजरी। तभी से वरुण गांधी बीजेपी आलाकमान की आंखों में खटक रहे थे। अगर उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी और वरुण गांधी अलग अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो क्या बहुत बुरे फंस गए हैं वरुण गांधी? वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर रहे थे। अखिलेश यादव भी वरुण को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे, लेकिन 20 मार्च को समाजवादी पार्टी ने भी पीलीभीत से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वरुण को यहां से भी नाउम्मीदी हाथ लगी है। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। गंगवार इलाके के दिग्गज नेता हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं। वरुण गांधी के सामने मुश्किल ये है कि जब तक बीजेपी आधिकारिक तौर पर पीलीभीत से उनका टिकट काट नहीं देती है, तब तक वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी से टिकट नहीं ले सकते हैं। वरुण गांधी की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें अभी जिंदा हैं, क्योंकि पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार साफ कह रहे हैं कि अगर वरुण पीलीभीत से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे। तो वरुण गांधी की बीजेपी में डगमगाती नैया के पीछे असली वजह क्या है? बीजेपी अपने जिस हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी को कभी सिर आंखों पर बिठाए करती थी, क्या मोदी शाह वाली बीजेपी अब अचानक उनसे कन्नी काट रही है? इसको समझने के लिए एक वजह तो हमने आपको बता दी कि 2020-21 के किसान आंदोलन में वरुण ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है। वरुण गांधी एक दो बार नहीं, अनगिनत बार किसानों, युवाओं और वंचितों की आवाज उठाते रहे हैं। वरुण गांधी जो अपना पूरा नाम लिखते हैं वो शायद आप जानते होंगे, फिरोज वरुण गांधी।
गांधी परिवार में वरुण गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो अपने साथ दादी इंदिरा गांधी या पिता संजय गांधी का नाम नहीं जोड़ते हैं। वरुण अपने नाम के साथ जोड़ते हैं फिरोज गांधी का नाम। कम लोग जानते होंगे कि फिरोज गांधी अपने समय के दमदार पॉलिटिशियन थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान फिरोज गांधी ने संसद में अपने ससुर और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कई तीखे भाषण दिए थे। फिरोज गांधी के दमदार तर्कों से नेहरू जी और उनकी सरकार की खूब फजीहत हुई थी। तो वरुण गांधी शायद उसी तरह की विरासत पर आक्रामक राजनीति करना चाहते थे और इसीलिए 2009 से लेकर 2024 तक उन्होंने कई बार आक्रामक रुख अपनाया। लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद वरुण की आक्रामकता को बीजेपी में खास तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि वरुण से बड़े आक्रामक नेता पार्टी में उभर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह और योगी बीजेपी के बड़े नेता बने तो बीजेपी में धीरे धीरे वरुण को किनारे किया जाने लगा। अब तो हालत यह है कि अपनी ही सरकार को घेरने के चलते वरुण ने खुद का ही नहीं मां मेनका गांधी का पॉलिटिकल करियर भी फंसा दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि मेनका गांधी को बीजेपी ने साफ कह दिया है कि आपको या आपके बेटे में से किसी एक को ही टिकट मिलेगा। ऐसे में संभावना है कि सुल्तानपुर से फिर मेनका गांधी को बीजेपी टिकट दे दे। 2014 में इस सीट से वरुण गांधी भी सांसद रह चुके हैं। माँ बेटे के लिए सुल्तानपुर की अहमियत तो है, लेकिन वरुण को पीलीभीत सीट ही चाहिए। अंदर खाने की खबर थी कि कुछ महीनों पहले वरुण गांधी और अखिलेश की मुलाकात हुई थी और वरुण के साइकिल पर सवार होने के बदले में माँ बेटे यानी वरुण और मेनका के लिए दो लोकसभा सीटों के टिकट की मांग की गई है, लेकिन अखिलेश इस पूरे पैकेज पर सहमत नहीं हुए। वरुण गांधी और अखिलेश यादव में दोस्ती की खबरें आती रही हैं, लेकिन दोस्ती अलग बात है और सियासत अलग बात। अगर अखिलेश और वरुण की बात बन भी जाती है तो वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी में लेने और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने में इस वक्त एक पेंच और भी है। अखिलेश यादव को मौजूदा सियासी माहौल में वरुण को लेकर कोई फैसला करना है तो उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके परिवार की सहमति भी जरूरी है। राहुल और अखिलेश साथ हैं, क्या इसमें एक और गांधी जुड़ने वाले हैं? ये दिलचस्प सवाल सबके जहन में घूम रहा है। सियासत संभावनाओं का खेल है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट एक दो दिन में आने वाली है। इसमें निश्चित तौर पर पीलीभीत सीट पर उम्मीदवार का ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि अगले हफ्ते तक पर्चा भरना जरूरी है। अगर पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटता है तो वो फिर कौन सी राह चलते हैं? क्या अखिलेश और राहुल उनको अपने साथ लेते हैं या फिर वरुण निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक बात तो अभी तय मानी जा रही है कि वरुण चुनाव तो लड़ेंगे और वो भी पीलीभीत से ही, किसी पार्टी से या निर्दलीय, बस उसका इंतजार है। चुनाव की उठापटक पर सबसे पहले आप हर हलचल देखेंगे हमारे खास शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।